दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। काफ़ी टाइम बाद दोस्तों मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन इस वीडियो के बाद दोस्तों आपको लगातार वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। इसमें दोस्तों हमारे पास है वीवो का Y12G, जिसमें आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। साथ में दोस्तों साइड में आपको यहाँ पर एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों जो डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा कलरफुल आपको देखने को मिल जाती है। ये सब इसके हाईलाइट फीचर्स है। बात करें दोस्तों इसके बेस वेरिएंट की, जो 11,000 रुपये में आता है, उसमें 3 GB वाली रैम आपको देखने को मिल जाती है। इसमें दोस्तों अगर डिज़ाइन की बात करूँ तो सबसे अच्छा तो दोस्तों इसका डिज़ाइन ही है जो मुझे लगा है। बाद में दोस्तों लास्ट में मैं बताऊँगा कि इस फ़ोन को आप क्यों ना ले और ले तो क्यों ले। बाकी दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कैमरे की। तो कैमरा है दोस्तों इसमें 13 MP का, साथ में 2 MP का एक डेप्थ सेंसर आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफ़ी सही बात है। इसमें दोस्तों डिज़ाइन काफ़ी सही है। इसमें आपको वीवो की ब्रांडिंग भी साइड में देखने को मिल जाती है। जो कलर है इसके बैक का वो भी काफ़ी सही आपको दिया गया है। तो अगर यहाँ पर आप साइड में देखो तो फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट आपको साइड में दी गई है। उसके ऊपर दोस्तों वॉल्यूम्स के बटन आपको प्रोवाइड किए गए हैं। तो दोस्तों डिज़ाइन काफ़ी सही है इसका, तभी मैं बोल रहा था कि डिज़ाइन वाइज मुझे काफ़ी सही लगा ये फ़ोन। डिस्प्ले दोस्तों 6.51 इंच की बहुत बड़ी डिस्प्ले है, लेकिन HD+ है, तो वो यहाँ पर कॉस्ट कटिंग की हुई है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें इसके सेल्फी कैमरा की, तो वो आपको यहाँ पर 8 MP का ही देखने को मिलता है। उससे ऊपर दोस्तों ये गे नहीं है। अब दोस्तों बात करें यहाँ पर इसके कैमरा UI की, तो सबसे पहले दोस्तों इसको परखना बहुत ज़रूरी है कि कितनी ऑप्शंस आपको प्रोवाइड की गई है। पोर्ट्रेट मोड में दोस्तों 2x तक आप यहाँ पर जूम करके फ़ोटोज़ ले सकते हो, जो काफ़ी सही मुझे फीचर्स लगा है इस प्राइस पॉइंट पर। बाकी फ़ोन में दोस्तों दिया नहीं जाता है। बाकी ऊपर आप देखेंगे तो HDR मोड है, साथ में दोस्तों एक फ्लैश के लिए आपको ऑप्शन देखने को मिल जाती है। उसमें दोस्तों अगर आप फोटोज़ की क्वालिटी देखें यहाँ पर, तो काफ़ी सही मुझे लगी है। आगे मैं दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो की क्वालिटी भी दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों और फीचर्स देखते हैं। पैनोरामा मोड आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाता है, काफ़ी सही बात है। ऊपर से दोस्तों जूम की अगर मैं बात करूँ आपको, तो 4x तक यहाँ पर आप जूम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वीडियो में आप जा सकते हैं। मोर की ऑप्शन है, उसमें दोस्तों पोर्ट्रेट मोड मतलब लाइव फोटो यहाँ पर ऑप्शन दी गई है। टाइम लैप्स है दोस्तों, और डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। बात करें दोस्तों इसमें जो जूम है वीडियो में भी आप यहाँ पर मैक्सिमम जूम 4x तक कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगर सेटिंग में आप जाओगे तो आपको यहाँ पर वाटरमार्क की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो वीडियो है मैक्सिमम 1080p तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्रेम रेट शो ये दोस्तों नहीं करता है। तो मैंने दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है इसमें आपको 60 FPS तो देखने को नहीं मिलता है, खाली 30 FPS पर ही आप यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जूम दोस्तों आप देख सकते हैं 4x यहाँ पर मैक्सिमम है, उससे ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। बात करें सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरे का जो UI है वो भी सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। इसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शंस ऐड नहीं की गई है। जो ऑप्शन आपको बैक में मिलती थी वो सारी आपको यहाँ पर फ्रंट में देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों बाकी क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं इस टाइम की वीडियो की क्वालिटी कैसी आपको दिख रही है यहाँ पर, आप दोस्तों खुद अंदाज़ा लगा लीजिए। और बाकी बात करें डायनामिक रेंज की वीडियो में, वो तो मैं आपको अभी आगे सैंपल्स दिखाने ही वाला हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर जो रिव्यू दे रहा हूँ इंटरफेस का, वो आप यहाँ पर क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बुरी बात है चार्जर की। इसमें 10 वॉट का चार्जर आपको दिया गया है 5000 mAh बैटरी के साथ, तो इसको दोस्तों आप नोटिस करिएगा। बाकी दोस्तों अगर वीडियो क्वालिटी की बात करें बैक कैमरे से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्वालिटी है वीडियो की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेनी सीजन है, तो उस तरीके से ही आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके की क्वालिटी है। बाकी मुझे तो दोस्तों सही लग रही है, 13 MP का कैमरा है, उस हिसाब से तो बेटर है। लेकिन अगर आप किसी और फ़ोन से कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पर आपको डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। बाकी डायनेमिक रेंज ठीक है, कई बार एक्सपोजर में थोड़ा मोटा यहाँ पर चेंज हो जाता है। बाकी 4x जूम कर सकते हैं आप यहाँ पर, उसमें भी आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा मुझे खास लगा नहीं है इसका जूम। एंड EIS भी इसमें आपको देखने को नहीं मिलता है, तो वो सबसे बड़ी कमी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें यहाँ पर फ्रंट कैमरे की, तो आप यहाँ पर फ्रंट कैमरे से भी Full HD तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसमें भी आप Full HD तक यहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन जो इसमें भी आपको EIS का सपोर्ट नहीं दिया गया है, तो उतनी ज़्यादा अच्छी वीडियोस यहाँ पर निकल कर आती नहीं है, अगर आप यहाँ पर क्वालिटी वाइज बात कर रहे हैं तो। बाकी अगर आपको ऐसे ही जस्ट नॉर्मल वीडियो कॉलिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए बिल्कुल सही आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों बैक कैमरे से, कुछ मैंने जो शॉट लिए हैं
पहला ही दोस्तों शॉट या HDR मोड में लिया मैंने आपको दिखाने के लिए। तो उसमें दोस्तों काफ़ी सही यहाँ पर फोटो निकल कर आई है। सनसेट का दोस्तों टाइम है और जो कलर्स है वो काफ़ी सही ये फ़ोन निकाल लेता है। ये दोस्तों नॉर्मल है बिना HDR के, तो बिना HDR के भी दोस्तों नॉर्मल फोटो आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत कलर में यहाँ पर चेंज आपको देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों उतना ज़्यादा कुछ मैं बोल नहीं सकता हूँ। 13 मेगापिक्सल का दोस्तों कैमरा दिया है 11,000 रुपये में। लेकिन जो एक बात मुझे अच्छी लगी कि अगर किसी को पंची कलर्स यहाँ पर पसंद है तो वो बिल्कुल यहाँ पर इस फ़ोन को ले सकता है, उसमें कोई आपको कमी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी दोस्तों और बात करते आगे सैंपल्स की, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको ये कलर्स के लिए दिखाया है कि अगर वाइट कलर और यहाँ पर जो पहाड़ी का अलग कलर है उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट ये करता है। बीच में दोस्तों आप देख सकते हैं आसमान का नीला कलर भी दिख रहा है। तो कलर्स वाइज दोस्तों ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। और बाकी बात करें यहाँ पर क्लोज़अप शॉट की, तो मैक्रो सेंसर तो दोस्तों नहीं है लेकिन इस कैमरे से फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा हद तक क्लोज़अप शॉट निकाल सकते हो, जिसमें दोस्तों इसकी जो थोड़ी वार्मर टोन में दोस्तों चला गया ये फ़ोन। और बाकी दोस्तों सब कुछ ठीक ही है। दो कैमरे दिए गए हैं जिसमें एक आपको डेप्थ देखने को मिलता है, बाकी एक प्राइमरी है, तो ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हैं। बाकी अगर बात करें दोस्तों फ्रंट कैमरे की, तो उसमें आप देख सकते हैं 8 मेगापिक्सल की सेल्फी जो आपको मिलती है देखने को, उसमें डायनेमिक रेंज उतनी सही आपको देखने को नहीं मिलती है। इसमें दोस्तों आप पोर्ट्रेट मोड भी ले सकते हो फ्रंट कैमरे से, तो पोर्ट्रेट मोड भी दोस्तों ठीक ठाक देखने को मिलता है, लेकिन ओरिजिनल तो दोस्तों नहीं लगेगा। बिल्कुल बेसिक सा आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों बात करें नाइट में, तो नाइट में तो आप दोस्तों फोटो ना ही ले तो बेहतर है। नाइट मोड आपको यहाँ पर दिया नहीं गया है एंड प्राइस दोस्तों 11,000 रुपये है। तो इसी वजह से मैं बोल रहा था आपको कि ये फ़ोन हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। अगर दोस्तों आपकी यहाँ पर मेन इम्पोर्टेंस है सिर्फ बैटरी और डिज़ाइन और आप नॉर्मल यूज़र यहाँ पर हो तो बिल्कुल आप इस फ़ोन को ले सकते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आपको गेम वगैरह खेलनी है तो प्रोसेसर इसमें स्नैपड्रैगन का 439 दिया गया है और दोस्तों रैम 3 GB 11,000 रुपये में मिलती है। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों किसी प्रकार से यहाँ पर ये अच्छी डील रहेगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक।